हेलो एवरीवन। तो आज फिर मैं आप सबके सामने एक रिव्यू लेके आई हूँ। एक्चुअली आज था माईशा का लास्ट पेपर, तो मैंने उसको प्रॉमिस की थी कि आज हम पार्टी करेंगे लास्ट पेपर वाले दिन आपके। तो आज माईशा थी बड़ी एक्साइटेड क्योंकि इसको पार्टी करने जाना था, एंड ये थी हमारी धन्नो और हम धन्नो पे जाके बैठ के जाने वाले थे। माईशा से कंट्रोल नहीं हो रहा था तो हम निकल पड़े और हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर। ये एक्चुअली मीरा रोड स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पे है शांति नगर की तरफ, एंड ये जो कैफ़े है इसका नाम है बुम बुम कैफ़े। एक्चुअली ये मैंने रमज़ान से पहले शूट किया हुआ था लेकिन टाइम नहीं मिला था इसलिए अपलोड नहीं कर पाई थी, इसलिए आज अपलोड कर रही हूँ। तो ये जो कैफ़े है वो बुम बुम कैफ़े है। ये वो उनका सिटिंग अरेंजमेंट बाहर की तरफ था, ये इनका इंटरनल एरिया है। यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है लेकिन इनका फूड बहुत ऑसम होता है, इनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है मील का। तो यहाँ पर हम बैठ चुके हैं एंड माईशा को आज कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी, वो जो ऑर्डर करना चाहती थी वो कर सकती थी। जनरली उसको रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, क्योंकि आप जानते ही हैं मैं एक्सप्लोर के साथ साथ अपने बॉडी को इन्हांस करने का भी वीडियोस बनाती हूँ एंड उसमें भी मैं बिलीव रखती हूँ। तो हमको एक्सप्लोर और इन्हांस दोनों को बहुत ही पैरेलल वे में लेके चलना पड़ता है। खैर उसने बना लिया था चिकन चीज़ पिज़्ज़ा और उससे वेट नहीं हो रहा था। मीनवाइल मैं आपको थोड़ा सा टूर करा देती हूँ इस कैफ़े का। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बोला कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे 6-7 सीट्स लिमिटेड हैं लेकिन स्मॉल ग्रुप्स के साथ या स्मॉल फैमिलीज के साथ आप यहाँ पे आके इंजॉय कर सकते हो। बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा प्लेस कंसिडर किया जाता है क्योंकि यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है। यहाँ की फ्राइड आइसक्रीम जो है वो बहुत ही यूनिक आइटम लगी मुझे, मैंने तो नहीं खाया है बिकॉज ऑफ कोर्स फिर वो आइसक्रीम विथ फ्राई एंड ऑल, तो वो कॉम्बिनेशन मुझे ठीक नहीं लगा, बट वो मुझे थोड़ा सा यूनिक लगा। अगर आपको ट्राई करना है तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने मंगा लिया था माईशा के लिए चिकन चीज़ पिज़्ज़ा, और वो देख के एंड इनका प्रेजेंटेशन देख लीजिए आप पहले, कितना प्यारा प्रेजेंटेशन है, और ये देख के ही पागल हो चुकी थी क्योंकि आप एक्सप्रेशन से देख सकते हो कि वो जो पिज़्ज़ा का एंड जो चीज़ का जो फ्लेवर है उसके मुँह में कितने दिन के बाद गया है, उसको बहुत अच्छा लगा। एंड फिर हमने मंगाया था लेमन मिंट जूस जो काफ़ी अच्छा फ्लेवरफुल होता है इनका, तो ये भी माशा ने ही पहले टेस्ट करी और ये भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो इसके बाद फिर हमने मंगा ली थी मेरे लिए डिश जो थी मैगी। मुझे यहाँ की मैगी जनरली बहुत पसंद आती है, नॉर्मल सिंपल मसाला वेजिटेबल मैगी बहुत अच्छी होती है। इनका प्रेजेंटेशन एंड जिस प्लेट में वो कंटेनर में ला के देते हैं वो भी बहुत अच्छा होता है। एंड लास्टली जो मेरा यहाँ का फेवरेट है वो है ब्लू लगून्स। अगर आप यहाँ आ रहे हो तो ब्लू लगून्स ज़रूर ट्राई करना। इनका प्रेजेंटेशन देखो गाइस, कितना प्यारा प्रेजेंटेशन है, मतलब उसको देख के ही पीने का मन नहीं करता है, एंड टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा है। एंड जैसा इन्होंने पिक्चर्स में लगा रखा है सेम वैसा ही ये लोग वैसे प्रेजेंट करते हैं, तो वो एक चीज़ बहुत अच्छी है कि मतलब जैसा दिखा रहे हैं वैसा दे रहे हैं, क्वांटिटी भी इनकी अच्छी होती है। और ये था हमारा टूर टू बुम बुम कैफ़े। हमको एक बिल्ली मिल गई थी जिसको हमने हाय किया, ये है इनका फ़ोटो सेशन। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एक्सप्लोर एंड एनहांस।